नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनटीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की हमारी स्पेशल स्टोरी में आपके लिए है कुछ स्पेशल। अब स्पेशल है वो तो हम ऐसे नहीं बताएंगे, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी ये स्टोरी। हवा में दिल का दौरा पड़ने और कई प्रमुख धमनियों में खून का प्रवाह रुक जाने के बावजूद इम्फाल से कोलकाता आ रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में एक पायलट ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसके बारे में जानकर आपका मन भी उन्हें सैल्यूट करने को हो जाएगा। फ्लाइट हवा में थी कि अचानक पायलट को दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद जो हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। पायलट ने यात्रियों से भरे विमान को फौरन नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया और समय रहते उसने विमान को सुरक्षित लैंड करा लिया। हवाई अड्डा सूत्रों ने बताया कि विमान के कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरने से कुछ देर पहले ही कैप्टन सिल्वियो डियाज एकोस्टा ने अपने सहायक पायलट से सीने में तेज दर्द की शिकायत की। उन्हें काफी पसीना आने लगा, लेकिन तेज दर्द पर काबू पाते ही उन्हें शनिवार शाम करीब 4:45 बजे सहायक पायलट की सहायता से विमान को सुरक्षित उतार दिया। एकोस्टा को तुरंत एयरपोर्ट परिसर स्थित मेडिकल यूनिट ले जाया गया। वहां ECG और प्राथमिक जांच के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें नजदीकी चार्नक अस्पताल भेजा गया। विमान में करीब 176 यात्री सवार थे। अस्पताल के हृदय रोग विशेष डॉक्टर सत्यजीत सामंत ने बताया कि एकोस्टा की हालत काफी गंभीर थी। डॉक्टरों का कहना है कि बेहद कम समय में उनका इलाज हुआ, तभी उनकी जान बचाई जा सकी। एकोस्टा क्यूबा का रहने वाला है। डॉक्टर सामंत ने बताया कि उन्होंने पहले ऐसा कोई केस नहीं देखा था। हवा में दिल का दौरा पड़ने के बावजूद विमान की जिम्मेदारी पूर्वक सुरक्षित लैंडिंग किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आपको हमारी स्टोरी बेहद पसंद आई, और नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की बहुत सारी स्टोरी हमसे जानने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।